मैं इसके बारे में नहीं कहता कि वो लोग क्या कहते हैं। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से यही प्रार्थना आखिरी तक करता रहा, आज भी करता हूँ और कल तक भी करता रहूंगा। साधना करता रहा, साधना में जिया हूँ और साधना से ही मरूंगा, और केवल ये साधना इसलिए करूंगा कि मेरे गुरु का नाम हो, गुरु जी ने जिस साधक परिवार की स्थापना की वो साधना प्रद लोग हो और समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और धर्म के लिए खड़े रहें और वही खड़े रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे अपने आजकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे देखे हैं लोगों ने कहा मुझे काली सिद्ध है, मुझे बगलामुखी सिद्ध है, मैं किसी शत्रु को एक मिनट में मार सकता हूँ। कौन है भाई तुम्हारे शत्रु? तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा कौन शत्रु है? शत्रु तो वो है तुम्हारे धर्म का नाश कर रहे हैं। एक बार उनके ऊपर प्रयोग करके बताओ, मैं तुम्हें मर तुम्हारी लंगोट दूंगा। तुम अगर सच बात कहते हो, कोई ऐसा बगलामुखी का साधक एक बताओ जिसने किसी अधर्मी को शिक्षा प्रदान की हो साधना के मार्ग से, कोई है ऐसा? अपने लोगों पर चलाते हो तुम बगलामुखी साधना, अपने लोगों पर काली साधना करते हो, क्या फायदा हुआ उसका? तुम्हारे धर्म का नाश करने वालों के ऊपर क्या तुमने साधना की है? किसी को करके बताया है कि तुमने, मैंने धर्म की रक्षा की है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लोग YouTube चैनलों पर देते हैं मेरे को बगलामुखी सिद्ध है, मेरे को महाकाली सिद्ध है, किसके लिए? आज तुम्हारे मंदिरों को मारा जा रहा है, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे भाई बहनों को लूटा जा रहा है, तुम्हारे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, क्या तुम उसके साधना के बल पर उसको रोक सकते हो? और तुम्हें सच्चा साधना करने वाला और सच्चा साधक बनना है और तुम्हें ये सब रोकना है, उसी दिन तुम साधक या गुरु जी के शिष्य कहलाओगे। अगर ये नहीं है तो तुम बकवास हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा उसका कोई काम नहीं आता, किसी के लिए तुम सब लोग बेकार के काम कर रहे हो। और मेरा हर क्षण यही रहा, मैं भी पहले साधना देता था, बाद में मैंने एक निर्णय कर लिया कि मैं तुम्हें अगर यंत्र माला दूं तो तुम ले जाते हो सीधे सीधे मेरे पास, तो हाँ हाँ करते हो, यंत्र माला ले जाते हो, घर में डब्बे में डालकर पेटी में रख देते हो, तुम साधना नहीं करते। तब से मैंने निश्चय किया है कि मैं एक दिन की साधना या दो दिन जो भी रहूंगा, दो दिन की साधना मैं मेरे सामने ही करवाऊंगा और उसका फल उनके जीवन में कभी भी होना ही चाहिए। तुम घर में जाकर डब्बे में साधना यंत्र और माला रख दें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज भी आपको कहता हूँ, जब तक आप ऐश्वर्यवान नहीं होते, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम कोई प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए जाओ या तुम देवता सिद्धि के लिए जाओ या तुम ध्यान में समाधि धारण करो, मैं नहीं कहता। तुम पहले तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करो, तुम्हारे भाई बहनों का समस्या का निराकरण करो, तुम एक अच्छे गृहस्थ बनो, तुम अच्छे एक साधक बनो और गुरु जी के पास कभी भी जाओ तो आनंद के साथ जाओ, रोते हुए नहीं। अगर तुम्हारा गुरु योग्य हो तो तुम गुरु के सामने प्रसन्नता के साथ जाते हो, छाती ठोक के कहे गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ और मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और जिस दिन ये भाव तुम्हारे में आएंगे, जिस दिन इस भाव के साथ तुम आगे चलेंगे, तुम एक श्रेष्ठ साधक। समस्याएं नहीं है मुझे ऐसा नहीं कहता, समस्याएं तो मुझे भी, हर क्षण मैं भी समस्याओं से जूझता हूँ, समस्याएं मेरे लिए भी है। लेकिन कभी आज भी मैं आज गुरु जी के सामने भी कहता हूँ, मैं गुरु जी के सामने कभी एक गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना नहीं किया कि गुरु जी तुम मेरा ये काम करो। गुरु जी ने कहा है तुम्हें भौतिक साधना सफलता में, तुम्हारे जीवन के जन्म से लेकर मरण तक के जितने समस्याएं उस समस्याओं का समाधान गुरु जी ने भौतिक साधना सफलता में किया, तुम चुनो तुम्हारी कौन सी समस्या है, उस साधना को संपन्न करो। एक बार नहीं करी दूसरी बार कैसा सिद्ध नहीं होगा मैं देखता हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान कैसा नहीं होगा मैं देखता हूँ। मैं तो हर बार हर शिविर में कहता हूँ कि तुम महीने में केवल 5 दिन मुझे दे दो एक साधना के लिए, मैं तुम्हारा जीवन का नहीं सुधारा, तुम्हें या नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भाई नहीं। एक बहुत बार मैंने ये बात कही लेकिन तुम साधना करने आते ही नहीं, साधना करते ही नहीं, तुम्हें 5 दिन में मिलना मुश्किल है और केवल हर बार ये लेकर आते हो कि गुरु जी बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ या कुछ समस्या है तुम्हारी। ऐसे बहुत सारे लोग, इसका समाधान किस तरह हो? क्या गुरु जी ने लक्ष्मी साधना दी नहीं दी? आपने लक्ष्मी साधनाओं का पुस्तक गुरु जी का पढ़ा है? भौतिक साधना सफलताओं का पुस्तक पढ़ा है? आप पढ़कर क्या वो साधनाएं संपन्न की? कभी आपने आपको प्रश्न क्यों नहीं, गुरु जी ने वो पुस्तक उतनी बड़ी लिखी? गुरु जी भी जानते थे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं और उस समस्याओं का समाधान तुम्हें चुनना है, पहले समस्याओं से जूझ कर बाहर आना है, बाद में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग चिंतन मेरा भी तो करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से ये बात भी सुना हूँ, मैं प्रत्यक्ष से नहीं। गुरु जी कहते हैं कि तुम अगर तारा साधना करते हो और तारा सिद्ध हुई तो तुम्हारे सर के नीचे 3 तोला सोना रहता है। आशा है, मनुष्य आशा जीवी है, आशा हर एक को रहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं साधना में सफल हुआ तो मेरे जीवन सुधर जाएगा, मेरा घर सुधर जाएगा, हर एक को आशा है। और हर एक को आशा है ये साधना करूँ तो ये बीमारी जा सकती है, हर एक को आशा है कि वो साधना संपन्न करूँ। लेकिन क्या उसका मार्गदर्शन है? क्या ये साधना घर में सिद्ध हो सकती है? क्या तारा तुम्हारे घर में आ सकती है?
कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे घर में बच्चा रोने वाला है, घर में मलमूत्र विसर्जन होता है, घर में औरतें अपने पीरियड्स में रहती हैं, तुम्हारे घर में कपड़े सीधे तरीके से धोए सोए नहीं होते, ऐसे घर में क्या तारा माता आएगी घर में? एक बार सोचो, तुम्हारे घर में अगर कोई मिनिस्टर आता है या कोई बड़ा प्रधानमंत्री या कोई आता तुम्हारे घर, तो तुम घर को कितना सुधारते हो? ये बताओ कोई महाराजा तो पूरे घर को सुधारते हो। ये तो वो प्रधानमंत्री देवताओं से बड़ी है तारा महाविद्या। अगर वो घर में आनी चाहिए तो तुम्हारा घर कितना सुंदर सुविचार स्वच्छ होना चाहिए, कभी ये सोचा है? बस एक बात कह देना, मुझे तारा सिद्ध नहीं, मुझे शिशमस्ता सिद्ध नहीं। तुम कहाँ तक सिद्ध हो? एक बार सुबह से शाम तक अगर पत्नी ने सीधा सीधा खाना नहीं दिया तो गलियां देना शुरू कर देते हो, बच्चों को मारना शुरू कर देते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारे पास वह सामर्थ्य नहीं है कि उनको सुख शांति प्रदान करें। और इस सुख शांति प्रदान करने का साधन केवल साधना मार्ग से ही हो सकता है, और साधना मार्ग से ही मैं चाहता हूँ कि हो, ऐसा करें। और मैं आज वह साधना दे रहा हूँ, तुम ये जीवन में तुम्हारा बेघर हो तो घर होगा, खेती नहीं है तो खेती होगी, धन संपदा नहीं है तो धन संपदा होगी। जो साधना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने की थी, जो साधना प्रभु श्री कृष्ण ने की थी, जो साधना विश्वामित्र जी ने की थी, और जो सारी सारी ऋषियों ने साधना संपन्न की थी, तुम्हारे आज इतने यहाँ जितने भी घर में यहाँ बैठे हुए साधना में, अगर जिनको घर नहीं है, जिसको संपदा नहीं है, आज अगर मैं जो साधना कहने जा रहा हूँ, करने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें यही करवाऊंगा, और तुम्हारा घर और तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास नहीं आई तो मैं अगली बार ब्रह्मपुरी नहीं आऊंगा और तुम्हें साधना करने के लिए भी नहीं कहूंगा। इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि साधना जीत होगी। ये बात क्यों कह रहा हूं? आप कभी अयोध्या गए हैं या नहीं मुझे तो पता नहीं, मैं अयोध्या बहुत बार गया हूं। हम बहुत दिनों से सोचते रहे कि अयोध्या रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, और आपने देखा 500 साल हो गए रामचंद्र जी का मंदिर गिरा गया, वहाँ बाबर मस्जिद भी, इसका क्या कारण था? क्या कारण होगा? कभी आपने सोचा क्यों मंदिर गिराया गया, क्यों ऐसा हुआ? हम तंत्र या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु राम के कुलदेवत श्री रंगनाथ स्वामी थे, सूर्यवंशी थे, रघुवंश में उनके घर में वराही की पूजा थी। वराही का अर्थ है वर देने वाली, अपना भार वहन करने वाली, उसे वराही कहा गया या वराह कहा गया। जब समुद्र को कहते हैं कि पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई थी तो उसको उद्धार के लिए प्रभु विष्णु ने वराह का अवतार लिया और वे पृथ्वी को उसका उसके ऊपर उठाए। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर जब पानी ही पानी हो गया था तो आपको पता है पृथ्वी पर जब पानी हो जाए तो वहाँ कीचड़ तो होता ही है, और कीचड़ में हम कौन सा काम कर सकते, नहीं कर सकते। और एक वराह जैसे सुवर कहते हैं, सुअर ही एक ऐसा है कीचड़ में जाकर अपने मुंह से कीचड़ को दूर करता है, आपने देखा होगा तुम्हें, और उसको समतल भूमि बनाता है, पृथ्वी को समुद्र के उस जल से कीचड़ से हटाकर पृथ्वीमय बनाने वाला वराह है, और उसकी शक्ति है वाराही। जब तक ये सप्तपुरी कहलाए जाते हैं, अयोध्या कांची आदि सप्तपुरी कहलाए जाते हैं, इन सभी को पहली बार ऊपर आने के लिए वराह भगवान ने कहा था कि एक ऐसी सुंदर पुरी बनाओ जहाँ भगवान का वास हो, भगवान आकर रह सके। तब वराह ने कहा मैं तो अभी पृथ्वी को साफ करने में लगा हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में मैं फिर जन्म लेती हूँ, और उसने वाराही के रूप में आई आकर कहा कि मुझे मेरा कर्तव्य समझाओ। तो वराह ने कहा ऐसे कीचड़ से भरने में अच्छे अच्छे भवन हो, लोगों को रहने के लिए जगह हो, वो सब कुछ बात करें, और इसके लिए विश्वकर्मा है, इंद्र है, वरुण है, अश्विनी कुमार है, ये सारे लोग एक सुंदर फूल फल वाला घर एक प्रासाद बनाने का कार्य करें। तो वाराही ने कहा वो सभी के पास